जब किसी मूवी को बायकॉट किया जाता है तो उसके दो निष्कर्ष निकल के आते हैं। पहला, पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है क्योंकि पद्मावत को भी बायकॉट किया गया था, और दूसरा रीजन रक्षाबंधन और लास्ट इन चड्ढा जैसी फ्लॉप बिगेस्ट डिजास्टर मूवी का रिजल्ट निकल के आता है। उसी तरह तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी 19 अगस्त को थिएटर्स में, जिसका नाम है दोबारा, और दोबारा को मिरेस का रिमेक किया गया है जो एक स्पेनिश मूवी है। तो रिमेक का बॉलीवुड में क्या हाल चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और तापसी पन्नू का एक स्टेटमेंट आया, आप स्क्रीन पर देख लो। इस स्टेटमेंट में तापसी पन्नू ने क्लियरली बताया है कि मेरी फिल्म को बायकॉट करो क्योंकि मैं भी अक्षय कुमार और आमिर खान के कैटेगरी में आना चाहती हूँ। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इनके मूवी को रिमेक में अगर है ओप्लस से बायकॉट करने की बोल रहे हैं, तो इस मूवी का बजट ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए है, तो बजट का 10% लोग भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जिस तरह इस समय बॉलीवुड की हालत चल रही है, ये अपने बजट का 10% भी आराम से नहीं निकाल पा रहे हैं। और यह बायकॉट का प्रोसेस मीडिया द्वारा शुरू हो गया क्योंकि हाल ही में तापसी पन्नू अपने मूवी के प्रमोशन के लिए कहीं पे गए थे और वहाँ पर जर्नलिस्ट से मिसबिहेवियर कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट के मिसबिहेवियर पे सलमान भाईजान नहीं बचे तो तापसी पन्नू क्या चीज है, देखते हैं इन सबका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। खैर, तापसी पन्नू ने खुद बोला मेरी फिल्म का बायकॉट करो, देखते हैं। और असल बात बताएं तो इनकी फिल्म कोई देखना भी नहीं चाहता क्योंकि इनके ट्रेलर पर जो व्यूज हैं वो भी कोई अच्छी खास व्यूज नहीं है, और कपिल शर्मा शो भी हाल ही में बंद चल रहा है तो इनकी मूवी के प्रमोशन अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो ये ऐसा ही बोल के प्रमोशन करा के खुद मूवी को प्रमोट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। पब्लिक को अच्छे से मालूम है किस मूवी को बायकॉट करना चाहिए, किस मूवी को बायकॉट नहीं करना चाहिए। खैर, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, तापसी पन्नू के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टे ट्यून्ड।